तो चलिए दोस्तों अपना मॉडल पेपर वापिस स्टार्ट हो चुका है। अपने फिक्स टाइम तक दोस्तों मैं आ चुका हूँ आपके सामने। वीडियो को लाइक शेयर चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए वाईफाई राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, ठीक है। लाइव चल रही है आपकी क्लास रेगुलर इसी टाइम पर दोस्तों, जो आपको टाइम अभी देख रहे हो लाइव कक्षा के अंदर। दोस्तों अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो लाइव का टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है, ठीक है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैसोरगढ़ दुर्ग को, कोटा दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग को या लोहागढ़ दुर्ग को? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह कहा दोस्तों, भैंसोरगढ़ दुर्ग को दोस्तों कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। करला टोड ने अभेद दुर्ग भी कहा है इसे, और ये चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसोरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के चंबल और बामन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पहली बात सुनिए, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसोरगढ़ दुर्ग को। दूसरी बात सुनिए, इसे कर्नल टोड ने अभेद दुर्ग कहा है, ठीक। और तीसरी बात सुनिए, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है और वन्य जीव अभयारण्य के में चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थल है या स्थित है, ठीक है। मेवाड़ के इतिहास राजमहलों की प्रथम क्रांति किसे कहा है? महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरोध जाकर प्रमुख सरदारों द्वारा सही उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप के राज्य शासन पर बिठाना। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह द्वारा प्रताप के विरोध जाकर अकबर से मिल जाना। ऑप्शन दो में से दीजिए आपका राइट आंसर, जो भी आता है दोस्तों वो दीजिए, ठीक है। ये दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने अपने दोस्तों प्रिय रानी थी दोस्तों अप्रभाव के में आकर अपने बड़े योग्य पुत्र प्रताप को अपना उत्तराधिकारी नायब बनाकर छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था दोस्तों। इसी समय महाराणा उदय सिंह का निधन पर जगमाल सिंह ने चित्तौड़ के शासन का अधिकार कर लिया, और परंतु महाराणा ने बड़े सरदारों के क्रियाक्रम को लौटाते हुए गुगा गांव में 1 मार्च 1572 को प्रताप का राज तिलक कर दिया था दोस्तों। ये सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। सुमेलित करना है दोस्तों, थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा जूम कर दीजिए, चलिए सुमेलित करना है। यहां पर प्रशस्ति दिए रखिए, यहां पर संबंधित शासक, ठीक। फटाफट देखिए दोस्तों, सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों 30 सेकंड भी नहीं लगते दोस्तों, इतना आसान है क्वेश्चन, फिर भी एक टाइम लगता तो क्या करें। करो दोस्तों फटाफट, चलिए। करो दोस्तों। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये दोस्तों संबंधित शासक था महाराजा राय सिंह, ठीक। यानी पहले के अंदर, एक मिनट रुकना, ये प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा का था ना, ठीक है। जूनागढ़ प्रशस्ति था ना दोस्तों, जूनागढ़ प्रशस्ति ये अपने महाराजा राय सिंह दोस्तों, ये हो जाएगा ठीक। सी यानी पहले ए फिर सी। जगन्नाथ प्रशस्ति है ये अपनी हो जाएगी महाराणा जगत सिंह, और बिजोलिया शिलालेख हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लास्ट में डी आ रहा है, शुरुआत में ए सी दोस्तों, ये ऑप्शन है थ्री। चलिए जीज मोहम्मद साई और जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह, पुंडरिक विठल, महेश भट्ट या स्वाई जय सिंह? जो जीजा मोहम्मद साई और जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना, ये करते हैं स्वाई जय सिंह। स्वाई जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह ने द्वितीय गणित और ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने दोस्तों इन ग्रंथों की रचना की और जयपुर के उज्जैन और बनारस, दिल्ली और मथुरा के 5 वेदशाला में जंतर मंतर बनवाई दोस्तों, ये चीज भी सत्य है। रामानंदी संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंदी भक्ति दास्य भाव की थी, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलिए। वैष्णव आंदोलन का उत्तरी भारत में प्रवर्तित मत रामानंदी संप्रदाय कहलाता है। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत कृष्णदास
प्यारी थे। ये संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय के अद्भुत है। ये राम स्नेही प्रवर्तक संत रामचरण जी ने किया था। राम हाँ रामानंदी संत कृपा राम के शिष्य थे दोस्तों। और उसके बाद राम स्नेही संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय उद्भुत निर्गुण उपासना का प्रारूप था। ये चीज गलत है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। चलिए और सही है तीनों। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाए जाने वाला हिंदू का किस प्रसिद्ध त्यौहार को भगवान प्रतिमा की जल को विसर्जित करने की परंपरा है? गणेश जन्मोत्सव, मकर संक्रांति, शिव चतुर्थी या कृष्ण जन्मोत्सव? ये गणेश जन्मोत्सव दोस्तों, ठीक है। ये गणेश जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी कहते हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों इस त्यौहार को विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। इसे चतरा चौथ भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये बच्चों का विशेष त्यौहार है। श्री रामदेव पशु मेले में मुख्यतः कौन सी गो नस्ल क्रय विक्रय किया जाता है? नागौरी, मालवी, थारपाकर, कांकरेज? ये अपनी नागौरी। और ये अपने नागौर जिले के अंदर सो माघ शुक्ल एकम से माघ फरो जो माघ पूर्णिमा फरवरी माह में भरता है दोस्तों लगभग, ठीक है। राजस्थान की जनजातियों का घटती हुई आबादी के अनुसार सही क्रम क्या है? देखिए फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। हाँ देखिए जल्दी जल्दी आपके सामने आंसर है। स्पीड के साथ जितनी स्पीड रखोगे कुछ तभी दोस्तों प्रैक्टिस के अंदर आप सफल होगा, क्योंकि अपनी दोस्तों प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। प्रैक्टिस जितने खूब करोगे तभी दोस्तों हमें पता चला कि हमारा कितने दोस्तों अच्छी तरीके से तैयारी है। जो मीणा है घटती हुई आबादी के अनुसार सही क्रम में मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया दोस्तों, ये ठीक है, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 24। आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी को क्या कहते हैं? हाथुली, लोंग, लूंप, हंस? ये कहा जाता है लूम्ब, ठीक है। जो हाथोली है हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है, लोंग है ये नाक में पहने जाने वाला, और हंस है ये गले में पहने जाने वाला, और लटकाई में छोटी कड़ी को क्या कहते हैं? ये लूम्ब हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। छोटी गज की सहायता से बजाए जाने वाला केर की लकड़ी से बने इस वाद्य को एक सिर प्यार प्याले के आकार का होता है जिसमें तीन तार होते हैं। एक वाद्य होता ये वाद्य है चिकरा, गुजरी, सुरिंदा, दुका को? कौन सा वाद्य दोस्तों? जल्दी जल्दी स्पीड के साथ, ये अपना चिकारा हो जाएगा, ठीक है। ये मुख्यतः अलवर भरतपुर क्षेत्रों में जोगी द्वारा पौराणिक आख्यानों और लोक कथाओं के गायन के साथ बजाए जाने वाला एक तत्व वाद्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इन दोनों में से बता दो दोस्तों, किशनगढ़ शैली के विकास का स्वर्ण काल राजा सावंत सिंह का शासनकाल, राजा सराज सिंह का शासनकाल? जो राजा सावंत सिंह के दोस्तों ये जो गुरु थे श्री रणछोड़ जी थे, इन्होंने अपने शासनकाल के राजा वैभव के प्रति उदासीन भाव रखते थे और चित्रण में संगीत और किशनगढ़ शैली में नवीन रूप प्रदान किया था, और इन्हें पासवन बनी ठणी के प्रति हृदय और असीम प्रेमी में बनी ठणी का राधा की ड्राम रूप में चित्रकरण को प्रोत्साहन दिया था। ये राजा राव सावंत सिंह का शासनकाल था, स्वर्ण काल का देते इसलिए ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा जुकाम सा है दोस्तों, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए पढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पढ़े चित्रित करने का कार्य मेघवाल जाति के छिपे करते हैं, श्रीलाल जोशी कुशल पढ़ चित्रे हैं, फट चित्र जो आकृति थोड़ी मोटी और गोल, आंखें बड़ी बड़ी तथा नाक अन्य शैलियों की अपेक्षा छोटी व मोटी होती है, यह कथा के मुख्य चरित्रों की वेशभूषा लाल रंग का खलनायक का हरे रंग का होता है दोस्तों, क्या होती है? ये जोशी के गोत्र छिपे में चित्रण में, हाँ दोस्तों ये सही, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये दोस्तों करते हैं जोशी गोत्र के छिपे पढ़ के चित्रण का कार्य करते हैं, ठीक है। जोशी गोत्र के छिपे पढ़ क्वेश्चन पढ़ देना, आंसर उस तरफ है, सॉरी ऑप्शन उस तरफ है। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी का विद्रोह भड़कने का कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति नसीराबाद छावनी में दोस्तों इसका भड़कने का कारण क्या था? सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना, उच्च पदों पर अंग्रेजी की नियुक्ति सॉरी अंग्रेजों की नियुक्ति, मेरठ में विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद आगमन। ये हो जाएगा अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इंस्पेक्टरी नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारी करना, सैनिक तैयार करना दोस्तों ये कारण था। ये 28 मई 1857 की बात है दोस्तों, ठीक है। कोड़ी व कुदन गांव जिनमें 22 मार्च व 25 अप्रैल 1935 को जाट किसान आंदोलन हुए किस जिले में? सिरोही, सीकर, टोंक, दौसा। ये अपना सीकर जिले के अंदर। भारतपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई? 1936, 1937, 1938, 1940। भारतपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1938 में, ठीक है। क्लास कैसी लगी दोस्तों आज वाली, ठीक है, बता दो कमेंट करके बॉक्स के अंदर, ठीक है।